फिर हम पहाड़ी है, हमको छलबूतों की ज्यादा नॉलेज है। हमको भूत पसंद कर देते हैं। पहले चोरी वाली है ना, हाँ। वो कुत्ते ने भगा दी, वो कुत्ते ने निकाल दी बाहर सारी। क्या बोल रहे हो, नारंगी चोरते है बोला। खुशी देखो, खुशी स्कूल वाले बच्चे। तो ये है वेदीखाल मार्केट। यार रास्ता बड़ा अच्छा है का। ऐसा बचपन में जीरन लगाते थे यार। तुम लोग स्कूल में आगे कर रहे हैं, कॉलेज में। हेलो, तो पता तो चल ही गया होगा कि मैं कहीं जा रही हूँ, है ना। पता है मुझे बहुत तेज़ हो आप लोग भी। तो हेलो, नमस्ते, प्रणाम और पहला आप सभी को मेरा। तो होप आप लोग एकदम चकाचक होंगे और अपन भी एकदम मस्त है। तो आज मैं पता कहूँ, गेट दिखाती हूँ आपको ना, मैं डॉक्टर SNN राजकीय महाविद्यालय बेदीखाल पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड। तो ये है यहाँ का गेट। मैं क्योंकि मैं दूसरे रास्ते से आई थी तो मैं आपको ऊपर से दिखा रही हूँ। जिनके साथ मैं आई थी वो अभी क्लासेस पढ़ रहे हैं अपनी, इंग्लिश की क्लास चल रही है अभी उनकी, मतलब उनका वेट कर रही हूँ। तब वो लोग मार्केट जाएंगे, फिर उनके साथ जाऊंगी क्योंकि आधे लोगों को उनमें से फॉर्म भरने हैं। तो भाई बहुत से लोग होंगे जिन्होंने यहाँ पे पढ़ा होगा, पढ़ाई की होगी, और अपना कॉलेज देख के तो अपना कॉलेज टाइम याद आ रहा होगा। क्योंकि अब मैं भी अपना, जैसे मैं अब कॉलेज आती हूँ ना देखने के लिए, तो मुझे भी अपने कॉलेज की याद आती है। दिखाल कॉलेज जो है, मतलब अगर ये जो रोड है, मतलब ये जो आप देख रहे हो रोड, ये सीधा कोटद्वार जाके मिलती है यहाँ से। और मतलब ये कोटद्वार से अगर आप आओगे तो आपको बेदीखाल, पहले बेदीखाल आना पड़ता है, उसके बाद आपको नीचे बैजरो वगैरह जाना पड़ेगा, और बैजरो से भी सबसे पहले बेदीखाल की तरफ कोई आती है। और वो कार देखो कितनी स्लो स्लो चल रही है, चढ़ाई है भाई, चढ़ाई है वहाँ। तो वैसे आज क्या है यार, ओ क्या है आज, तो ये आज सोमवार है, और सोमवार मतलब इस साल का ये लास्ट सोमवार है ना। ये तो सभी को पता है, सभी को क्या पता, मेरे को पता है अभी, क्योंकि ब्लॉग तो पता नहीं आपको कब तक मिलेगा सोमवार क्या, तब तक तो पता नहीं कौन सा वार आ जाएगा। जैसा कि सोमवार है तो चलो मैं आज आपको एक गाना ही सुनाते ना, भोलेनाथ का। भम 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 भोले, डम 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 डोले, भंग तेरी चढ़े जद होले होले, गौरे कैलाश में, भोले की तलाश में, भंग की आस में हम आए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इतना ही। यहाँ अकेला अकेला घूमने में भी डर जैसी लग रही है, पता डर क्यों लग रही है। एक तो इतना घना जंगल है ना यहाँ, भंडे घन जंगल, जब है बाघ है डालता, चप्पल ही डाल के था पता भी नहीं चलू मी अच्छा है किला की, वो तो क्लास पढ़ना चाहिए जो मी रगड़ाया थी। वैसे बेदीखाल जो है ये मेरे नानी गाँव का मार्केट भी पड़ता, मतलब मेरी मम्मी, मेरे अम्मी का गांव है भाखंड, और भाखंड से मतलब मेरे अम्मी और स्कूल पढ़ने यहाँ आते थे। मेरे अम्मी ने कॉलेज नहीं पढ़ा है, स्कूल तक ही मतलब 8th क्लास तक पढ़ाई की है। तो यहीं बेदीखाल नीचे इंटर कॉलेज है, वहाँ पढ़ा था। तो मैं आपको दिखाऊंगी अगर मौका मिलेगा मुझे तो, ठीक है। वैसे अकेली सुनसान रोड में घूमने का मज़ा ही कुछ और है ना, अगर जंगली जानवर ना आए तो। मतलब यहाँ के बहुत सारे, मतलब बीएड की क्लासेस यहीं से चलती है, बीए की क्लासेस यहीं से चलती है, और एमए भी ओपन से चलता है, और बहुत से हैं, मतलब यार 1979 से तो बहुत से बैच पास आउट हुए होंगे उस टाइम से, तो बाप रे बहुत ही लोगों ने पढ़ा होगा। हमारे एरिया के लोग भी यहीं आते पढ़ने के लिए, मतलब लगा लो कहाँ से, मेरा गाँव तो इतनी दूर है, तब भी वहाँ के लोग यहाँ आते पढ़ने के लिए। जिन जिन का ये वाला एरिया पड़ता है, मतलब
पचराड़ फरसाड़ी खेतू मासी खेतू खलदार खलीदार भाकंड भौराड़ और भाकंड भौराड़ कोलरी मतलब यहाँ के बच्चे यहाँ तक पढ़ने आते कॉलेज करने आते रहते ठंडे में माँ कसम। और बारिश आ रही है पता है मतलब रोड देखो कितनी सुनसान है और बारिश आ रही है मेरे पे दो बारिश की बूंद पड़ चुकी है काश बर्फ पड़ जाती आए हाय मजा आ जाती माँ कसम। पता है यहाँ धूप नहीं आ रही है और मेरे हाथ इतने ठंडे हो रखे ना इतने ठंडे कि क्या ही बताऊँ मैं ना फिर मतलब मेरे से ट्राईपॉड नहीं पकड़ा जा रहा है यार इतने ठंडे हो रखे मेरे हाथ और नाक तो पूछा मत लाल होगी भयंकर और गाल ओ भाई बहुत ठंडे हो रखे। चलो भाई बेदिखाल मार्केट घुमा दे तुम्हें इन लड़कियों के साथ। ये सिर्फ चाउमीन खाती है और ये समोसे खाने के लिए सिर्फ वहां जा रही है। शॉप है मोमो की वो समोसों के लिए भाग रही है इतनी तेज ये लड़की नखरी भूख लेके इनकी शादी हो रही है बारिश के साथ धूप तुम्हें आज बेदिखाल का स्कूल दिखाते चक्की है यार ना सिम्मू के पेट में तो चौमिन कूद रही हो सोचो। आदर्श विद्यालय राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज बेदिखाल पौड़ी गढ़वाल। तो भाई ये है बेदिखाल का स्कूल जहाँ की मेरी मम्मी ने ही पढ़ा है और भाकण के कई लोगों ने पढ़ा है। मुझे याद है मतलब जब मैं मेरे मामा की शादी हुई थी हम लोग इसी रास्ते से आए थे इसी रास्ते से क्योंकि भाकण मेरा मामू गाँव पढ़ता है ठीक है। तो ये है स्कूल के अंदर नहीं जा रहे क्योंकि वहाँ पढ़ाई चल रही है तो हम सीधा ऊपर ही चलते हैं ठीक है ऊपर ही मिलेंगे क्योंकि अभी ऊपर हमारा वेट कर रहा है और लड़कियों को भूख लग गई है चाउमीन मोमोज समोसों की है ठीक है वहीं मिलेंगे फिर समोसे वाले अंकल का होटल। एक कहाँ की तुम्हारे समोसे वाली दोस्त इतना ही है रे बेदिखाल मार्केट। हम बेदिखाल से आ चुके हैं और ये देखो ये वाली रोड कोरदार को जाती है और ये जाएगी बैजर को। चलो फिर तो ये देखो बेरोखाल यहाँ से 26 किलोमीटर है बैजरो यहाँ से 17 किलोमीटर और बेदिखाल यहाँ से 1 किलोमीटर इधर की साइड को है तो हमको अभी पैदल जा रहे हैं हम। तो चलो तो बेदिखाल मार्केट तो आप लोग देख ही चुके हैं ज़्यादा बड़ा नहीं है छोटा ही है और वहाँ पे जो कॉलेज है और स्कूल में मैं गई नहीं क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई चल रही थी तो अंदर क्यों जाना था ना हम फट्टू लोग हैं भाई टीचरों से बहुत डरते हैं आज भी डरते हैं चाहे हम पढ़ते नहीं है। और अभी मैं और मेरे गाँव की जो दो बहनें हैं वो पैदल जा रहे हैं तो आज हम पैदल यात्रा करेंगे बहुत टाइम बाद जो कि मुझे बहुत पसंद है बेशक तुम गाड़ी में ना ले जाओ मेरे को पैदल ले जाओ। यो छी मीदगढ़ याच इन्हें शकल दिखाई याच किन्नू और शाच सिम्मू ये थे चौमिन पसंद जी थे भी चौमिन ही पसंद जी। अभी हम पैदल जाना था अब तो घाम है गया वे अगर इस तीर के हिसाब से चलेंगे तो तीर के हिसाब से हम सीधा नीचे को जाते हैं ना तो मतलब तीर के हिसाब से चलूँ या रोड के हिसाब से चलूँ बताओ। तीर के हिसाब से तो भाई सीधे नीचे स्वर्ग का रास्ता है क्या पता स्वर्ग भी नसीब ना हो हमको। इन्हें देखा इन्हें क्या घाम लगी और अफारवा क्या अंधेरू हुई खलीदार पहुंच गए हम खेत तो पहुंच गए रे अब हम बड़ी दूर से आ गए हम बड़ी दूर पहुंच गए हम खलदार पहुंच गए हम हाँ नरंगी चोर ये पता क्या बोल रहे नरंगी चोरते हैं बोले कंप्लेन हमारी ये देख अभी तो सुन लीजिए अब आ नरंग चोरना जी हम रास्ता में कैंप भी कर डालूं यार जी काढ़े
हमर गांव का चोर है कि रे कम से कम ढूंगा तो ना लमडाऊ का सक्सेसफुल चोरी सक्सेसफुल ऐसा है कि हम खा पी के सेट हो चुके हैं अब खट्टू ले गया ना इस मौसम में खट्टा खा रहे हम लगा लो अब बस हमने गांव के गांव नहीं आज हम गांव के रास्ते जाएंगे आज हम दूसरे रास्ते जा रहे जो भ्याल से नीचे को जाएंगे शॉर्टकट वाले रास्ते अभी दिखाएंगे अभी तो हम बहुत 5-6-7 किलोमीटर तो आई गए होंगे हम पैदल पैदल मजे से बस भी भगा दी हमने तहनो दिल नाल सदा रख के रखूंगा ये चुपचाप जाना चाहिए हल्ला भी नहीं करना चाहिए वही तो मौसम मस्त हुई उधर चलती गाड़ी को चढ़ती गाड़ी को पहले प्राथमिकता दे आंखें कमजोर होगी मेरी तो हम कुत्ते से डर रहे कुत्ता हमको देख रहा हूँ कैसा लगा कुत्ते का हमला हमने इतना खाया पिया मस्त मजे करके आ रहे थे वीडियो तो देख ही दी होगी है ना जब कुत्ता उस कुत्ते ने हमारी जान प्राण निकाल दिए थे कसम हट अकेले रास्ते में सुनसान आना फिर ऐसे खतरनाक कुत्ते मिल जाए तो ओ भाई आप क्या करेंगे हमने क्या किया यहाँ से जाने के हमने अबे हम पहुंच गए रे और पता भी नहीं चला यहाँ से जाएंगे हम शॉर्टकट रास्ते यहाँ से ये हमारे गांव का शॉर्टकट रास्ता भी यहीं से जाएंगे हम सीधा इस बार हम और दिन हम चढ़ाई चढ़ते हैं और आज हम उतराई चढ़ेंगे मजा आया पैदल चल के कुत्ते ने हमें और मजा दिला दिया कौन था ये मजनू जो मेरा नाम लिख के गया यहाँ पे देखो और ये दूसरा नाम पता नहीं किसका लिख गया हट हट जब कुत्ता आया क्या थी हालत तुम्हारी जरा बताना बताने लायक तो वैसे भी नहीं थी मैं सिमू बताना क्या बताऊ किन्नू तो अभी भी बेहोशी है मुझे लग रहा कुत्ते ने उसके होश ही उड़ा दिए कौन चढ़ने का मेरे एक दूसरा को गया चल ले चले तुम्हें अपने गांव की ओर ऊपर से नीचे को आज हम जाएंगे चलो भाई अब हम खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या है ना क्योंकि हम लोगों को वैसे भी थकान लग चुकी है हम खाने पीने का इंतजाम करके आए थे ये देखो बैग भर रखा हमने हमारी पिकनिक चल रही है मेरे को पानी वाने जुगाड़ कह के भी लियो पानी ऐसे समझे के चकना ही खा रहे हैं आयाज कच्ची कचरा हम अपने घर लेके जाएंगे ऐसे मसमान नहीं यही फेंक के जाएंगे हम अच्छे लोग हैं और मैं नहीं ले जाने दूंगी आपको मन चौपी चिल कर बैग हम धारना तुम्हें कितने दिन पहले आज की तारीख है 28 3 दिन पहले हैप्पी न्यू ईयर ओ इतनी जल्दी कौन बोलेगा ये ब्लॉग तो पता नहीं मुझे लग रहा न्यू ईयर के बाद ही और हम पार्टी कर रहे हैं एडवांस में और तुम भी करोगे तो आ जाना है ना एडवांस वैसे भी अभी बहुत सारी चीजें हमारे बैग में नहीं इतना घना जंगल अगर पीछे से बाघ में झपटा मार देना मेरे को बहुत उसी की डर लग रही है सुब सुब बोलो कोई है भी नहीं हेल्प करने के लिए दूसरा मैं तब एक दूसरा तब पिछगाड़ में चल रहे मैं एक दूसरा मैं बेटा बाद में
जुड़ गई चल और कुछ हमार मतलब मन भोग रहन बह तब जाके भी हूँ सपना हम नाच नहीं सकते यहाँ क्योंकि जंगलों में भूत लगता है अच्छा लगता है तो तुम्हें पता होगा ना पता नहीं है तो बता दिया पता नहीं है तो बता देते हम क्योंकि हम पहाड़ी हैं हमको छल भूतों की ज्यादा नॉलेज है हमको भूत पसंद कर देते हैं पहाड़ पहाड़ी लड़कियों और जितनी खूबसूरत होती है वही तो चप अच्छा सीधा और बखूरा मुर्गा मंगल इतनी मेहनत भी होती है वो दीड़ नहीं हमल हम तो ही नहीं मिलन वो इतनी मेहनत ही होती है कि वो डांडो डांडो जाती है घास लकड़ी लेने वहां से चल के पूजू हमार बुंदी चलो यार अब अच्छा से फल से खाते हैं अब मैं कुछ नहीं बिल्कुल यार किस चीज का डर अरे हम चाहे जा तुम डर दुई फौलाद पकड़ो चलो डर किस बात का वैसे मेरे साथ दो दीदियां आ रही मेरी बहुत पहलवान है इन्होंने मेरे को कुत्ते से बचाया जब कुत्ता आया ना मैं इसके पीछे छुप गया ना इसके पीछे छुपी फिर इसके पीछे छुप गई पिला के तीन पैके वाली पागल हो गई तो नशा चढ़ गया पैदल चले कह रहे कह दे खत्म ए बैग में डाल सूट वापस लेके जाएंगे हम इसको हाँ मैं को यहाँ कहा था ओ माम मुझे दिख नहीं रहा था मैं कहाँ डालूँ बोतल भी धक्का दिया हम अपना माल अपने आप लेके जाएंगे अब ये साकर सुनो अब हम पे एनर्जी आ गई है क्योंकि तो हमने पहले चोरी वाली एनर्जी थी वो कुत्ते ने भगा दी वो कुत्ते ने निकाल दी बाहर सारी वही तो और अब हम पे अपने खाई पिए वाली एनर्जी और देर नहीं क्योंकि हम अपने इलाके में आ चुके हैं हम चौर से जा सकते हैं अब हमें डरने की जरूरत नहीं है किसी से अभी देख रहे कौन बोल रहा है हो या कुत्ता हो अब हम किसी से नहीं डरेंगे भाई अपने इलाके में आप कहाँ डरेंगे अब तो सारे कुत्ते अपने जान पहचान वाले वो धारगंडाए वाले अध पूछ वाले को लेके चलो भाई नीचे मिलेंगे सीधा क्योंकि अभी हम चढ़ाई उतरेंगे है ना यो देखा असली मुमार छप जाएगी अभी तुमको रास्ता दिखाएंगे हम पूरा यहाँ से दिखाए कैमरा में अभी भी हमारे गांव आओ तो इस रास्ते आना वही तो और उतरना रीट आधार पे ऊपर और अगर क्या बोलते पैदल आने का मन ना करे तो यहाँ से छलांग लगा यहाँ से सीधा नीचे छलांग लगा सीधे हमारे घर पे पहुंचोगे तुम गड़मुड़ 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 हमारे घर पे होगा एक गांव तो पहुंच चुके हैं भाई हम देखो ये देखो इसकी सब्जी खाई जाती है हमारे इसको बोलते शिमला इसका फूल बड़ा मस्त होता है ना तुम्हारे क्या बोली तुम भी बताया हाँ आ जाए तो साग खाना नहीं आ जाए अब हार से सी सी दिखेणु चल रे अब हम पहुंच चुके हैं रीठा धार वाले गांव में रास्ता तो यहाँ का दिख ही रहा होगा ना बड़ा ही सेक्सी रास्ता है अब हम मतलब घर को पहुंचने ही वाले ऊपर से दिखाएंगे खाल में पड़े हुए पुराने छात्र लोगों ये है तुम्हारे जूनियर ये बहुत ही जूनियर है तुम्हारे वो भी आजकल के बच्चे तेज तरार जो इतने घने जंगल में मेरे को पार्टी करवा रहे थे और डरा रहे थे भूतों की कहानियां सुना सुना के ये हमारे गांव का स्कूल है हमने भी यही पढ़ा और इन्होंने भी यही पढ़ा हुआ है डरको ये देखो ये लड़की हमने स्पेशल ला रखी है कि हमें रास्ते में कहीं पेड़ वेड़ दिखेंगे तो हम अटैक कर लेंगे ओला खैजावरे जेल खाने और बधाई हो तुम लोगों को तुमने आंवले चोरे हमारे लिए कौन है देखो ये देखो हम स्कूल में पहुंच चुके हैं
ये देखा हमारे गांव के स्कूल को क्लास पढ़ी थी तुम्हारे पांच तक पढ़ी हमार पांच तक यही पढ़ा है और कुछ दिनों तक ये क्वारंटीन सेंटर था। सही बात बैठ नहीं ना यहाँ से और ये और ये है दूसरा गेट जहाँ से हम अब सीधा गांव को निकलेंगे। है, है, है। खुट्टा खप जाएगी माँ कसम। हाँ। इससे अच्छी तो चढ़ाई होती है क्योंकि रास्ते पक्के नहीं है। ये देखो हमारा मुलुक ये हमारा गांव है। ये हमारे गांव का मुर्गा खाना है और ये पल्ले लोगों पल्ले गांव के लोगों के पहाड़ है। फाइनली तो फाइनली अब मैं घर पहुंचने वाली हूँ। मतलब घर पहुंचने वाली क्या घर पहुंच ही गई हूँ क्योंकि मैं ऊपर जिन लोगों के साथ मैं गई थी तो फिर ठंडा हो रखा था चाय वाई भी हमने सुबह से चाय नहीं पी थी। और बेदीखाल तो आपने देख ही लिया है ना। बेदीखाल इतना बड़ा मार्केट तो नहीं है बट नॉर्मल है ठीक है अच्छा है अच्छा है अच्छा है। बस वहाँ की कॉलेज ये कि वहाँ कॉलेज बहुत पुराने टाइम से मतलब जब हमारे मम्मी पापा लोग छोटे छोटे थे वहीं पढ़े थे। बेशक उन्होंने कॉलेज नहीं किया पर स्कूल तो पढ़ा है ना। तो चलो फिर होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना ठीक है। बाय बाय मिलेंगे अगले ब्लॉग में सीधा न्यू ईयर के ब्लॉग में मिलेंगे मुझे लग रहा है ना।